नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं MSME सर्टिफिकेट मतलब उद्यम सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास उद्योग आधार पहले से ही बना हुआ है तो आप भी उसे उद्यम सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम किसी और वीडियो में जानकारी दे देंगे, मगर फिलहाल के लिए दोस्तों हम उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं वो भी नया हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम वीडियो की तरफ और ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहां पर उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक यहां पर हम टाइप कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रख देंगे, आप वहां से भी जाकर डायरेक्टली उद्यम सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, समय ना गंवाते हुए हम ओपन कर लेते हैं ऑफिशियल साइट और आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम ऑफिशियल साइट का लिंक ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाता है। तो साइट ओपन करने के बाद फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें उसी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा आधार नंबर मांग रहा है और आधार कार्ड पर जो नाम है हमारा वो भी यहाँ पर हमें टाइप करना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर जो हमारा प्रॉपर नाम है वो दोनों हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, अगर हम न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम जिनका भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं उनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है। तो चलते हैं दोस्तों, हम आगे की तरफ प्रोसेस करते हैं और वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आ जाता है। वो OTP दोस्तों हम यहां पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। दोस्तों, फिल करने के बाद दोबारा से हम वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, जैसा कि हमने कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और नीचे देखिए यहाँ पर हमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम अपना ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो टाइप है वो प्रोपराइटर है, तो हम यहाँ पर दोस्तों प्रोपराइटर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी दोस्तों अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो आप सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आगे हमने जैसा प्रॉपरेटर सेलेक्ट कर दिया तो आगे यहाँ पर दोस्तों पैन नंबर मांग रहा है, तो हम अपना पैन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। दोस्तों, पैन नंबर मेंशन करने के बाद पैन नंबर को वैलिडेट कर लेते हैं। नीचे जो पैन वैलिडेट का ऑप्शन है तो हम उसे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम पैन वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है। दोस्तों, पैन नंबर वैलिडेट करने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो, यस और नो के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे कि हमने लास्ट ईयर ITR फाइल किया है कि नहीं, तो हमने नहीं किया तो नो कर लेते हैं, और हमने GST नंबर लिया है या नहीं तो उस पर भी हम नो कर लेते हैं। जैसे कि हमने नहीं लिया है, ठीक है, तो हम नीचे फिर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि आधार बेस्ड जो हमारा नाम है वो आ गया है, तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है दोस्तों और ईमेल ID, तो हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पर प्रॉपरली डाल देते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालने के बाद दोबारा से हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब कैटेगरी वाइज जो कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर सब शो किया गया है। तो आप चाहिए तो इसे पढ़ लीजिए और फिर नीचे की तरफ चलते हैं। दोस्तों,
और यहाँ पर देखिए अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो हम अपना यहाँ पर सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि अपना हमारा जो कैटेगरी है जो हमारे क्लाइंट का है वो बीसी है, तो हम यहाँ पर वो बीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, कैटेगरी जेंडर के बाद यहाँ पर देखिए स्पेशली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो हम यहाँ पर नो कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अपना जो बिज़नेस का जो नाम है यहाँ पर हमें फिल करना है, तो यहाँ पर हम उनका जो बिज़नेस का नाम है यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों बिजनेस नेम टाइप करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर प्लांट यूनिट नेम मतलब इकाई का नाम हमें यहाँ पर टाइप करना है, जैसा कि हमारा एक ही प्लांट है तो हम वहीं बिजनेस नेम यहाँ पर हम डाल देते हैं, क्योंकि हमारा एक ही प्लांट है, एक ही ऑफिस है, तो हम हर जगह एक ही रखेंगे। तो हम यहाँ पर यूनिट नेम में वहीं सेम बिजनेस हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा एक ही प्लांट है, अगर आपका अलग अलग प्लांट है तो और भी आपका कोई प्लांट है तो यहाँ पे आप प्लांट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक ही प्लांट है तो हम एक ही रखते हैं, तो देखिए प्लांट के जो ऑप्शन में देखो एक प्लांट हमारा शो कर रहा है दोस्तों यहाँ पर अगर हमारा एक प्लांट है तो उसका यहाँ पे हमें एड्रेस भी मेंशन करना होगा, तो हम यहाँ पर हमारा जो प्लांट है उसका एड्रेस यहाँ पर हम डाल देते हैं। प्लांट का जो एड्रेस है उसे हम यहाँ पे प्रॉपरली टाइप कर लेते हैं, सिटी और डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब, और ऐड प्लांट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से हम अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देते हैं, और बगल में देखिए स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि हमारा महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेते हैं, और डिस्ट्रिक्ट भी बगल में सेलेक्ट कर लेते हैं, थाने हैं तो थाने सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हेड प्लांट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर दोस्तों ब्लॉक हमने नहीं फिल किया है, इसके लिए यहाँ पर रेड दिख रहा है, तो ब्लॉक भी यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों ब्लॉक फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड प्लांट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही हम ऐड प्लांट पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे प्लांट का देखो पूरा डिटेल यहाँ पर ऊपर ऐड हो गया है। ठीक है, तो नीचे देखिए अब हमारा ऑफिस एड्रेस भी मांग रहा है, तो जैसा कि हमारा प्लांट जो एक ही है, ऑफिस भी एक ही है, तो हम वही सेम एड्रेस यहाँ पर भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर सब कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देते हैं, वही सेम जो हमने ऊपर टाइप किया वही हम नीचे भी डाल देते हैं, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं महाराष्ट्र, और डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने अपना ऑफिस एड्रेस भी वही सेम एज सेलेक्ट कर लिया है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर यूएम से पहले रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, हम यहाँ पे एनए सेलेक्ट कर लेते हैं, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब हमारा जो बिजनेस स्टार्टअप का डेट है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, कि ध्यान रहे दोस्तों हम यहाँ पर फ्यूचर डेट और करेंट डेट नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर या करेंट डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो हम पास्ट का डेट सेलेक्ट करते हैं मतलब एक दिन पहले का, मतलब हमारा बिजनेस कल स्टार्ट हुआ है तो हम आज अपना ये जो एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है उद्यम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम वो सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि हमने 24 दिसंबर का सेलेक्ट कर लिया है। और वेदर प्रोडक्शन यानी अगर आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है तो यस रखिए, नहीं तो आप नो पर सेलेक्ट कर लीजिए। और डेट ऑफ कमेंसमेंट हमने वहीं सेम रख दिया है। ठीक है, अभी नीचे देखिए दोस्तों बैंक का डिटेल मांग रहा है, तो हम यहाँ पर अपना बैंक का डिटेल भी फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैंक के डिटेल के ऑप्शन पे आते हैं, तो अपना जैसा बैंक का डिटेल फिल कर लेते हैं, जैसे कि हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक डाल देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने अपना बैंक का नाम यहाँ पर फिल कर लिया है, तो आगे आईएफएससी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड भी डाल देते हैं कोटक बैंक का। आईएफएससी कोड डालने के बाद दोस्तों आगे देखिए बैंक अकाउंट नंबर डालना है, तो यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट नंबर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपके पास अभी करेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं,
क्योंकि दोस्तों अभी आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास अभी करंट अकाउंट नहीं खुला हो, तो आप ये सेविंग अकाउंट के थ्रू प्रोसीड करके बाद में MSME का सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने अकाउंट नंबर डाल दिया है और नीचे देखिए एक्टिविटी सेलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस है तो सर्विस, हमने जैसा मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लिया है। और आगे दोस्तों हमारा जो बिज़नेस का जो कैटेगरी है यहाँ पर देखिए कोड वाइज रहता है, तो हमें अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्शन में आप क्या प्रोड्यूस करते हो तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट करके ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर लीजिए। जैसा कि अलग अलग यानी कैटेगरी है तो आप काफ़ी सारी कैटेगरी आप इसमें से सेलेक्ट करके अपना ऐड कैटेगरी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसा कि 3 से 4 जो एक्टिविटी हमारा है वो हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो क्लाइंट है वो फैब्रिकेशन का काम करते हैं, तो हम फैब्रिकेशन से रिलेटेड 3-4 जो सर्विसेज है वो यहाँ पे हम अपनी जो कैटेगरी है उसमें ऐड कर लेते हैं एक्टिविटी लिस्ट में। तो एक्टिविटी लिस्ट में आप चाहें तो काफ़ी सारे जो है एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर 3 से 4 एक्टिविटी ही सेलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि हमें क्या कैटेगरी, तो आप यहाँ पर आराम से सर्च करके उसी से रिलेटेड आप जो भी यानी एक्टिविटी यानी जो भी काम करते हो उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आप 3 से 4 उसमें सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या कभी कोई फ्यूचर में कोई तकलीफ़ नहीं होता है, तो हम इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम 4 एक्टिविटी जो उससे रिलेटेड है फैब्रिकेशन से वो हम प्रॉपरली सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर फैब्रिकेशन से रिलेटेड जो है 3 से 4 हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 जो एक्टिविटी ऐड किया है तो ऊपर यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है तो कट करके दोबारा से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारे जो कंपनी है हमारा जो बिज़नेस है उसमें कितने वर्कर लोग हैं टोटल, तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं मेल कितने फीमेल कितने हैं अदर कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो जैसा कि हमारे जो कंपनी में टोटल 6 वर्कर हैं तो हम यहाँ पर फिल कर लिए। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर राइट एंड डाउन वैल्यू, मतलब हमने अभी जो इन्वेस्ट किया है टोटल कितना इन्वेस्ट किया है यहाँ पर हम वो फिल कर लेते हैं, और जो पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल पे कितना हमने खर्च किया है और टोटल कितना खर्च किया है वो प्रॉपर यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर 1 लाख रुपया डाल देते हैं और पोल्यूशन कंट्रोल ये सब पर हम 50,000 रुपया खर्च कर लिए हैं, तो टोटल यहाँ पर आ गया नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपये। तो जैसा कि काफ़ी कम लग रहा है तो यहाँ पर हम 2 लाख रुपया फिल कर देते हैं हमारे जो क्लाइंट का है, तो वैसे तो वहीं 2 लाख समथिंग खर्च हुआ है तो 2 लाख यहाँ पर कर दिए। तो यहाँ पर देखिए नेट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख आ गया, ठीक है। तो अगर आपका पुराना बिजनेस है तो ये टर्नओवर वगैरह ऐड करना है, अदरवाइज आपको नया ऐड करना है। अच्छे देखिए दोस्तों यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट, तो यहाँ पर हम दोनों यस कर लेते हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन वगैरह मेल पर आता रहता है, ठीक है। वो यस करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही हम फाइनल OTP के लिए सबमिट करते हैं हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर है उस पर दोबारा से OTP आ जाता है, वो OTP हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, ठीक है। OTP फिल करने के बाद नीचे कैप्चा भी प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों फाइनल सबमिशन के लिए हम नीचे जो सबमिट बटन है फाइनल सबमिट उस पर हम क्लिक करके कंफर्मेशन देख लेते हैं कि हम इसे सबमिट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, तो हम ओके कर देते हैं कि हाँ हो गया। तो यहाँ पर देखिए UM नंबर जो है उद्यम का जो नंबर है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। उद्यम का जो नंबर है इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं एक जगह, नहीं तो हम इसका डायरेक्ट प्रिंट मार लेते हैं, तो हम इसका चलते हैं प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है।
जैसा कि दोस्तों हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो चुका है, तो अभी हमें उद्यम सर्टिफिकेट के लिए 3 से 4 दिन का इंतज़ार करना होगा। दोस्तों जैसे ही हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पे नोटिफिकेशन आता है तो हमें ये प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे हम प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम ओटीपी फिल करने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उद्यम सर्टिफिकेट ओपन हो जाता है। दोस्तों अभी उस सर्टिफिकेट का हम प्रिंट लेकर अपने MSME बिजनेस को आसानी से लीगल तरीके से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, हो सकता है उनके भी कुछ हेल्प हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में।